जय हिंद दोस्तों, प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैथ्स प्लेटफॉर्म डेली एक ना एक वीडियो लेके आ रहा है, काफी कम शॉर्ट ट्रिक से, मतलब क्या काफी कम समय में बनाने वाला। यहाँ पे जितने भी लंबे लंबे क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, काफी कम समय में बना के आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में समय का काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, रोल होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे काफी कम समय में बनाना होता है। तो मैथ्स प्लेटफॉर्म आपके समय का ध्यान रखते हुए आपके यहाँ पे डेली एक ना एक वीडियो लेके आ रहा है, और ट्रिक वाइज लेके आ रहा है, और काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन को लेके आ रहा है। तो चलिए, हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे, और आप यहाँ पे देख रहे हैं आज का टॉपिक जो लेके आए हुए। तो चलिए, हम बिना विलंब किए हुए आपके एग्जाम का ध्यान में रखते हुए, मतलब क्या CBT 2 का और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसका ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेंगे, और चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में PAB वृत्त की एक छेदक रेखा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि PT वृत्त की जो है P से स्पर्श है। यदि PT बराबर 5 सेंटीमीटर है, PA बराबर 4 सेंटीमीटर है, और AB x सेंटीमीटर है, मतलब क्या AB का हमको पूछा जा रहा है, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे दिया गया था स्क्रीन पे कि PT बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे क्या दिया, PA बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, और AB का लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है कि इस PT का स्क्वायर बराबर आपको क्या करना है, PT का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि ये PB बराबर हो जाएगा, PB इंटू क्या हो जाएगा, बाहर का वाला, याद रखिए कि अंदर नहीं, बाहर का वाला, कभी भी ऐसा होगा तो स्पर्श रेखा वाला। तो PT का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, मतलब क्या PB हो जाएगा इंटू कौन वाला, तो बाहर का वाला, बाहर साइड वाला, मतलब PA हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिएगा PA हो जाएगा। अब PT बराबर आपका दिया हुआ कितना दिया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर PB, PB का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर जी 4 + x हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, 4 + x हो जाएगा, इंटू PA का वैल्यू कितना दिया, तो बोलिएगा सर जी 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो 4 × 16 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, x हो जाएगा, 16 में से यहाँ 25 में से 16 जाएगा, तो बोलिएगा सर जी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 9/4, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बी नंबर में दिख रहा होगा। तो ये एग्जाम में आता है, आता है इस टाइप से क्वेश्चन। आप लोग यदि एग्जाम में या तो टेस्ट बुक का यूज करते हुए, तो टेस्ट लगाते हुए, तो किसी भी एग्जाम में बैठे हुए होंगे, तो आपको समझ में आ गया हो कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बार बार हम बोलने का मतलब ये होता है कि यदि आप करते हैं तो आपका लाइक देख के, और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो जो शेयर करते हैं वो सब देख के हमारा थोड़ा मोटिवेशन के तौर पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाने का मन करता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लेके आए हुए, बस इसी टाइप का क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को लेके आया हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें से AB और DC को जब बढ़ाया जाता, मतलब AB और DC को जब बढ़ाया जाता है, कहाँ तक बढ़ाया जाता है, P बिंदु तक बढ़ाया जाता है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब कि P से लेकर A तक का लंबाई जो होगा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PC बराबर आपका 4 सेंटीमीटर दिया, हमसे क्या पूछा जा रहा है, PD का लंबाई पूछा जा रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हो जाएगा, और फिर बाद में क्या होगा, ये दोनों बाहर का वाला होगा। बोलने का मतलब क्या है हमारा कि AP बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा कि AP इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक AP इंटू बाहर का वाला क्या है, PB। यहाँ पे क्या लिखिएगा, PB लिख दीजिएगा, बराबर क्या कीजिएगा दोस्तों कि PD कीजिएगा, बाहर से लेकर अंदर तक PD इंटू क्या कीजिएगा, बाहर का वाला, मतलब क्या कीजिएगा, PC का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे AP बराबर कितना हो जाएगा, तो AP का वैल्यू हमारा कितना दिया, 8 दिया हुआ है, इंटू PB कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा सर जी 6 दिया हुआ है, बराबर PD का लंबाई हमसे तो पूछा जा रहा था, इंटू PC का लंबाई कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा सर जी 4 दिया हुआ है। यहाँ से काट दिएगा तो कितना होगा, 4 × 8, मतलब 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब कि PD, मतलब PD बराबर आपका यहाँ पे कितना होगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी दिख रहा होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो हमारे द्वारा समझाया गया जो गया है यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे NTPC का CBT 2 और ग्रुप डी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन हर दिन एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं, काफी शॉर्ट क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, काफी मतलब हर टाइप वाइज को लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके नंबर को इंक्रीज बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी आप CBT 1 का रिजल्ट को देखकर आप काफी यहाँ पे अचंभित होंगे कि आखिर इतना कटअप कैसे किया, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो चलिए, एक डेली एक हमारा वीडियो देखे ताकि आप उस नंबर तक पहुंच सके, 80+ नंबर तक आप पहुंच सके। तो चलिए, इतना देर तक हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद दोस्तों, जय भारत।